सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैस मीडिया क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और मैस मीडिया के फंक्शन कौन कौन से हैं। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैस मीडिया क्या होता है। देखिए, मैस मीन बहुत ज़्यादा अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वो मीडियम जिसके ज़रिए से, जिसके थ्रू, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन, अपना पैगाम भेजते हैं या उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उस मीडियम को हम मैस मीडिया बोलेंगे। लाइक टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सारे मैस मीडिया के अंदर काउंट किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैस मीडिया में भी यही चीज़ें हैं। दो इसकी मेजर टाइप्स हैं। पहले है प्रिंट मीडिया, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फ्लायर, न्यूज़लेटर, स्कॉलरल जर्नल। प्रिंट मीडिया में लाइक जो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हार्ड फॉर्म में है, लाइक देखें ना, न्यूज़पेपर जो है वो हार्ड फॉर्म में होता है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। मैगजीन्स, फ्लायर, इन सारों की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो इसलिए इसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो मीडिया जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो इनटेंजिबल होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लाइक टेलीविज़न के अंदर जो हमें टेलीविज़न के थ्रू, जो सिग्नल्स के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको क्या सिग्नल्स को हम टच कर सकते हैं? नहीं। जो मूवी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं। तो इसलिए ये टेलीविज़न, रेडियो, जो रेडियो के ज़रिए से हमें पैगाम पहुँचते हैं, जो ऑडियो आती है, और जो इंटरनेट के ज़रिए से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिल्म, ईमेल, ये सारे क्या इनटेंजिबल में आते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काउंट किए जाते हैं। आगे देखें इसके फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन ऑफ मैस मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? देखें, सबसे पहले जो मैस मीडिया का फंक्शन है वो ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। पीछे बात की है गई है कि इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और नॉलेज भी। कॉमन सी बात है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे नॉलेज जो हमें प्रॉपर चीज़ चाहिए वो हम दूसरों तक भेजते हैं, जिसको लोगों को बेनिफिट हो, तो वो मैस मीडिया के ज़रिए से ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफ़र नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह होता है। लाइक देखें, इंटरनेट पे जाके आप यूके के बारे में, यूके के जो लोगों ने ब्लॉग लिखे हैं वो रीड कर सकते हैं, यूके के लोगों की वीडियो देख सकते हैं, इंडिया का जो रेडियो है वो आप पाकिस्तान में सुन सकते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज थ्रू मैस मीडिया। सेकंड पे आ जाता है अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर। कॉमन सी बात है, मैस मीडिया के ज़रिए से आप जब टीवी पे न्यूज़ सुनेंगे, जब इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो आपके करंट अफेयर चल रहे हैं कंट्री के अंदर, जो सूरत हाल है, जो दुनिया के बारे में, जो दुनिया में चल रहा है, उसके बारे में आपको पता होगा। थर्ड पे इंटरटेनमेंट, मूवीज़ वगैरह, फिल्म्स वगैरह, ऑडियो म्यूज़िक वगैरह, आप इससे इंटरटेन करते हैं, डिफरेंट नॉलेज गेन करते हैं। फोर्थ पे आ जाता है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। कॉमन सी बात है, जो मैस मीडिया टीवी पे जो आते हैं, एड्स आती हैं, उसके बाद इंटरनेट पे भी एड्स आती हैं, रेडियो में भी एड्स आती हैं, तो ये क्या प्रमोशन ऑफ बिजनेस, ये भी मैस मीडिया के अंदर होता है। फिफ्थ पे है पब्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। हाँ बिल्कुल, जो लोग, जो पॉलिटिशियन हमारे जो काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो काम कर रही है दूसरों के लिए, उनकी पब्लिसिटी भी होती है इसके, इस मीडिया के ज़रिए से, मैस मीडिया के ज़रिए से, ये भी इसका फंक्शन है। उसके बाद सिक्स पे आ जाता है राइजिंग पब्लिक ओपिनियन। देखें, जो लोग हैं ना, मैस मीडिया के ज़रिए से अपनी ओपिनियन बता सकते हैं, वो उनके पास, देखें यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट, इसके ज़रिए से वो अपनी ओपिनियन बता सकते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है चीज़ों के बारे में। सेवन्थ पे है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कॉमन सी बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है जब आप पूरी दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनकी ऑडियो, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, उनकी इंटरनेट से ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगी। एट्थ पे आ जाता है कल्चर ट्रांसमिट। कॉमन सी बात है, कल्चर भी आता है। देखिए ना, कल्चर ट्रांसमिट से मुराद ये है कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप इंडिया के ड्रामे देख रहे हैं, तो उधर का जो कल्चर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आएगा। आप अगर अमेरिका या यूरोप या हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं तो उधर से भी आपका कल्चर ट्रांसमिट आपके अंदर होगा। आगे देखें, नाइन्थ पे आ जाता है एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशन प्रोग्राम सिंपल सा है कि एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन ऑनलाइन आप स्टडी भी कर सकते हैं मैस मीडिया के ज़रिए से। और टेंथ पे आ जाता है क्रिएट अ फ्रीडम ऑफ थॉट्स। अगर देखें, आप अपनी जो थॉट्स हैं ना, उनको क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप ओपिनियन कह सकते हैं कि आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप जो चाहे इनको इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। आगे आ जाता है एजेंट ऑफ चेंज। देखें, जो मैस मीडिया ना, ये लोगों के अंदर चेंज लाने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके ज़रिए, इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों के अंदर चेंज ला सकते हैं। आगे ट्वेल्थ पे आ गया सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स।
कॉमन सी बात है, अगर आपको मैथ या आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। 13 पे आ जाता है टूरिज्म प्रमोशन। टूरिज्म की प्रमोशन होती है लाइक ट्रैवल वगैरह, आप इंटरनेट से देखते हो कि ये कंट्री कैसा है, उसकी इमेजेस देखते हो, उसके बारे में आप देखते हो वीडियोस उसकी देखते हो, तो आपको उसके बारे में क्या होता है, नॉलेज होता है और उसकी प्रमोशन भी हो रही होती है, और डिफरेंट आपको पता है ऐड भी चल रहे होते हैं तो वो भी प्रमोशन में काउंट किए जाते हैं। आगे 14 पे आ जाता है सोशल कंट्रोल। इससे क्या होता है कि सोशल कंट्रोल भी रहता है, लाइक देखिए ना, वी गेट टू नो अबाउट न्यू लॉ एंड रिस्ट्रिक्शंस। देखिए अगर आपने कोई भी नया लॉ जो है वो पास हुआ है, कोई भी कंट्री के अंदर नया कानून आया है, तो आप क्या लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे भेजेंगे, एक एक करके तो नहीं गवर्नमेंट जाएगी हर बंदे के पास, नहीं, वो मैस मीडिया के जरिए से क्या करेगी, इस इंफॉर्मेशन को, जो नए लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भेज देगी। इसी तरह नीचे आ जाता है लाइजन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, जो लोगों गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान जो रिलेशनशिप है, या वही बात आ गई कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो भी इसके ज़रिए से आप इजीली भेज सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वार्निंग किसी की भी चीज़ के बारे में देना चाहती है, लाइक टैक्स पे करो या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया कानून आया है, तो वो भी मैस मीडिया के ज़रिए इसको इस्तेमाल करते हुए हम भेज सकते हैं। तो ये इनका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।